देखिए अगर आपका गोवा जाने का बजट है, एक एवरेज गोवा ट्रिप अगर आप प्लान कर पा रहे हैं, वैसे तो गोवा बहुत सारे लोगों का प्लान नहीं हो पाता, तो आप इस बजट के अंदर एक ऐसी इंटरनेशनल डेस्टिनेशन पर जा पाएंगे जहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, बीच मिलेगा, अलग खाना मिलेगा, अलग कल्चर मिलेगा। नमस्कार, मेरा नाम मानव है, थंबनेल से तो आपको पता लग गया होगा हम मौजूद हैं फुकोक आइलैंड में। ये वियतनाम के साउथ कोस्ट पर पड़ता है, बड़ी ही अनडिस्कवर्ड सी जगह है, हमने डिस्कवर करी तो सोचा जो हमने देखा वो आपको भी एक बार दिखाया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और आपको बताते हैं क्या कुछ आप देख सकते हैं फुकोक आइलैंड में। हमने अपने सफर की शुरुआत करी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली से। दिल्ली से फुकोक के लिए डायरेक्ट फ्लाइट मिलती है हफ्ते में 3 दिन वेजेट की। रिटर्न एयरफेयर की बात करें तो तकरीबन 14,500 रुपए का रिटर्न एयरफेयर है। रात को ही फ्लाइट चलती है और अर्ली मॉर्निंग आपको फुकोक उतार देगी। फ्लाइट टाइम लगभग 4.5 घंटे का है, 4 घंटे 40 मिनट के आसपास आपको लगते हैं। ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है ये फ्लाइट, लेकिन ठीक ठाक है, आपके पैसे बहुत ज्यादा इसमें बच जाते हैं। अर्ली मॉर्निंग आप फुकोक इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं। एयरपोर्ट काफी खाली मिलेगा आपको क्योंकि यहाँ पे बहुत ही लिमिटेड फ्लाइट्स आती हैं। साथ ही साथ इमिग्रेशन की भी कोई लंबी चौड़ी लाइन नहीं मिलेगी। वहां पर इमिग्रेशन ऑफिसर आपके पासपोर्ट को स्टैम्प करेंगे क्योंकि यहाँ पर भारतीय पासपोर्ट होल्डर्स के लिए वीजा की जरूरत नहीं होती। एयरपोर्ट से बाहर निकलने से पहले आप अपनी करेंसी एक्सचेंज जरूर कराएं और हाँ, याद रखें यहाँ पर आप डॉलर लेकर आएं क्योंकि जो यहाँ की करेंसी यानी कि वियतनामीज डोंग, उसको आप डॉलर के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं लेकिन INR के साथ नहीं कर सकते हैं। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही आप कैब ले लें और कैब वाला आपको जो भी रेट बोले उसमें थोड़ा सा मोल भाव जरूर करिएगा क्योंकि वहां पर आपको 1,00,000 डोंग के आसपास की बचत हो सकती है। कैब लेकर हम अपने होटल पहुंचे। प्रॉपर्टी का नाम सोल बाय मेलिया फुकोक है और ये 4-स्टार प्रॉपर्टी है। अच्छी प्रॉपर्टी है लेकिन थोड़ी सी ओवरप्राइज्ड है। इस पे हमने पर नाइट का तकरीबन 7,000 रुपए पे किया, ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था। आपको रूम टूर दे देते हैं, ये कमरा है, ठीक ठाक सा है, डिसेंट कमरा है, बट 7,000 रुपए के लायक मुझे नहीं लगा। बालकनी से व्यू बड़ा अच्छा आता है, आप सामने सी देख सकते हैं और ऊपर एकदम सफेद और नीला आसमान, कुछ इस तरह से इसका रूम है। ठीक है, डिसेंट है, बट 7,000 रुपए के लायक ये हमें नहीं लगा। इसके अलावा प्रॉपर्टी में भी आप काफी समय बिता सकते हैं। यहाँ पर आपको स्विमिंग पूल मिलता है और स्विमिंग पूल के बीचों बीच एक आइलैंड बार भी है, तो अगर आप ड्रिंक वगैरह एंजॉय करना चाहें तो वहां पर जाके एंजॉय भी कर सकते हैं। उसके बाद फुकोक पहुंचते हमने सबसे पहले काम किया, हमने स्कूटर रेंट लिया। तकरीबन 450 रुपए पर डे के रेंट पे स्कूटर मिल जाता है और वियतनाम में पेट्रोल सस्ता है, 70-72 रुपए लीटर के आसपास का पेट्रोल मिलता है। आप एक बार ही टैंक फुल कराएंगे तो आप तकरीबन 3-4 दिन तक आराम से स्कूटर को चला सकते हैं। हमने फुकोक के नजारे लिए और फिर हम पहुंचे खाने की तलाश में। खैर, खाने के ऊपर बात हुई है तो इंडियन रेस्टोरेंट्स की बात करते हैं। यहाँ पर 2 इंडियन रेस्टोरेंट हैं, एक नवरस और एक गणेशा। नवरस और गणेशा दोनों ही सिटी सेंटर में लोकेटेड है। हमारा होटल सिटी सेंटर से थोड़ा दूर था तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सिटी सेंटर में होटल लें, वहां पर आपको अच्छे बजट में डिसेंट होटल मिल जाते हैं। नवरस के बारे में बात करें तो यहाँ का खाना ओके था और 2 लोगों की मील का खर्चा तकरीबन 2,000 रुपए आता है अगर आप इंडियन फूड खा रहे हैं तो। वहीं पर गणेशा की बात करें तो इसका खाना लाजवाब था। यहाँ पर भी कॉस्टिंग ऑलमोस्ट सेम है, 2,000 रुपए के आसपास की बढ़ती है, लेकिन खाने का स्वाद कई इंडियन रेस्टोरेंट जो भारत में है उनसे भी ज्यादा बेहतरीन था। हमने यहाँ पर बिरयानी ली, चिकन लिया, दाल ली और भी बहुत सारा इंडियन फूड लिया और वाकई में खाने में मजा आया, आपको घर की याद आ जाएगी। यहाँ से आप ऑनलाइन खाना भी ऑर्डर कर सकते हैं। खाना खाने के बाद हम निकले फुकोक नाइट मार्केट की ओर। फुकोक की नाइट मार्केट बहुत ही पॉपुलर है लेकिन ये ज्यादा नाइट तक नहीं खुलती है, 12 बजे के आसपास ये मार्केट बंद होने लगती है। इस नाइट मार्केट में जाएंगे तो आपको यहाँ के कल्चर की खुशबू आएगी और साथ ही साथ उस सी फूड की भी जो यहाँ पर जगह जगह पक रहा है। यहाँ पर आपको फ्रेश सी फूड मिलता है, बारबेक्यू मिल जाते हैं तकरीबन 1.5 लाख डोंग के आसपास, यानी कि INR में अगर मैं बात करूं तो तकरीबन 500-550 रुपए आपको खर्च करने पड़ेंगे एक अच्छे सी फूड बुफे के लिए। पर्ल स्टोर्स भी मिलते हैं जहाँ पर आपको पर्ल मिलते हैं, पर्ल्स असली होते हैं, उनकी क्वालिटी डिफर कर सकती है और वो भी काफी अच्छे प्राइसिंग पे आपको मिल जाएंगी। अगर आप शॉपिंग करना चाहते हैं तो यहाँ से आप छोटी मोटी शॉपिंग कर सकते हैं। बहुत से फ्रूट स्टॉल्स भी होंगे, वहां पर जाके आप ताजे फलों का आनंद भी ले सकते हैं। सर्दियों में हमने यहाँ पर आम खाया था तो मजा बहुत आया था। इस नाइट मार्केट में हमें एक लेडी मिली जिन्होंने हमें बताया कि आप एक 4 आइलैंड का टूर कीजिए और ये टूर काफी किफायती था। INR में बात करूं तो 2 लोगों के लिए हमने तकरीबन 5,000 रुपए पे किए जो कि काफी किफायती है, वो मैं आगे बताऊंगा कैसे 2,500 रुपए वसूल है। आइलैंड पर जाने से पहले हम गए फुकोक के यूरोप में जो था
ग्रैंड वर्ल्ड। यहाँ का विन ग्रुप है, उन्होंने कुछ बहुत ही अमेजिंग अम्यूजमेंट पार्क बनाए, जिनमें से एक ग्रैंड वर्ल्ड है, एक विन वर्ल्ड है और एक विन सफारी है। हम विन वर्ल्ड अम्यूजमेंट पार्क और सफारी नहीं जा पाए, लेकिन आप जरूर ट्राई कीजिएगा, वहाँ पे एक बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस आपको मिलता है। हम गए थे ग्रैंड वर्ल्ड में। ग्रैंड वर्ल्ड लगभग वेनिस की तरह बनाया गया है, इसमें बीच में एक छोटी सी लेक है, उसके अंदर आपको गंडोला चलते हुए दिखाई दे जाएंगे। और सबसे अमेजिंग चीज इसकी ये है, यहाँ पर हर रात एक लाइट एंड साउंड शो होता है जो कि आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है। यहाँ पर आप देखेंगे तो पानी के बीचों बीच प्रोजेक्शन डालकर एक स्टोरी बताई जा रही है जो कि वियतनाम की एक कहानी है। ये शो हर रात यहाँ पर होता है, अगर आप देखेंगे वाकई में इस तरह का शो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। तो जब भी आप ग्रैंड वर्ल्ड आएं तो ये शो देखे बिना ना जाएं। इसके अलावा ग्रैंड वर्ल्ड में आप पिज्जा खा सकते हैं, खाने की बहुत सारी दुकानें हैं। खैर बात हुई ग्रैंड वर्ल्ड की, अब चलते हैं यहाँ से आगे और अपने आइलैंड टूर की तरफ चलते हैं जो कि हाईलाइट है पूरे फुकॉक ट्रिप की। सुबह सुबह एक एसयूवी हमें पिक करने के लिए आई और हमें ले जाया गया फुकॉक के सी पोर्ट पर। वहां से हम एक स्टीमर में सवार हुए और चल पड़े अपने पहले आइलैंड की ओर। आप समुद्र के बीचों बीच एक तेज तर्रार स्टीमर की सवारी कर रहे होते हैं, वो एक अपने आप में अलग आनंद है। आपको आइलैंड्स दिखाई देंगे दूर दूर पर और एकदम नीला पानी आपके मन को शांत कर देगा। हम पहुंचे अपने पहले आइलैंड की तरफ, ये ओशन पोल आइलैंड है। हमने इस पैकेज के अंदर फूड बुक नहीं कराया था। अगर आप सी फूड नहीं खा सकते तो आप भी बुक ना कराएं, क्योंकि यहाँ पे कुछ इस तरह का खाना मिलता है जो कि हमारे तो गले से उतरना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हम अपना पैक्ड फूड साथ में कैरी कर ले गए थे। साथ ही साथ यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त फोटोग्राफी की लोकेशंस भी हैं, वाटर स्पोर्ट्स भी होते हैं और इसी पैकेज के अंदर एक ड्रोन वीडियो और फोटो शूट भी इंक्लूडेड होता है। तो आप जैसे यहाँ आएंगे तो आपका जो भी ट्रैवल एजेंट है वो ड्रोन आपके वीडियोस बनाएंगे और बाद में आपको व्हाट्सएप कर देंगे। यहाँ से निकलते हैं और हम अपने अगले आइलैंड की ओर चलते हैं। यहाँ पहुंचकर आप सी वॉकिंग कर सकते हैं, साथ ही साथ स्नॉकलिंग कर सकते हैं और भी वाटर स्पोर्ट्स यहाँ पर कराए जाते हैं। इस पैकेज के अंदर आपको स्नॉकलिंग कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है। अगर आपको स्कूबा डाइविंग करनी है या फिर सी वॉकिंग करनी है तो आपको उसके एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। ये रही पैसों की लिस्ट। खैर हम यहाँ से भी निकलते हैं और उसके बाद चलते हैं अगले आइलैंड की तरफ। और जब आप अगले आइलैंड पर पहुंचेंगे तो वहां पर भी आपको बेहतरीन नज़ारे देखने को मिलेंगे। यहाँ पर भी आप एकदम फ्रेश सी फूड खा सकते हैं, अगर आपको खाना है तो यहाँ पर भी वो ऑप्शन मिलता है और बहुत ही सस्ता खाना है। 500-700 रुपये में आपको सी फूड का बुफे इधर भी मिल जाएगा, प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप प्री वेडिंग शूट कराना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर आपको ड्रेसेस वगैरह मिलती हैं, वो आप रेंट कर सकते हैं और शूट करा सकते हैं। तो ये था हमारा एक और आइलैंड और अब हम चलते हैं अपने आखिरी आइलैंड की ओर। इन चारों आइलैंड से वापस जाने के दो रास्ते हैं, एक तो एक आप स्टीमर के थ्रू चले जाएं, दूसरा रास्ता जो हमने चुना वो ये था कि रोपवे से जाएं। वियतनाम फुकॉक के अंदर लॉन्गेस्ट रोपवे है, ये चारों आइलैंड्स को कनेक्ट करती है, तो हमने वो वाला ऑप्शन चूज किया। रोपवे मैं आपको एंड में दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको मैं चौथे आइलैंड की हाईलाइट पर ले जाता हूं। यहां पर एक वाटर पार्क है, उस वाटर पार्क की टिकट भी इसी 2500 रुपए में इंक्लूडेड है जो हमने पैकेज लिया। इसलिए मैंने कहा ये बहुत ही किफायती पैकेज है। आपको यहां पर तरह तरह की वाटर स्लाइड्स मिलेंगी, छोटे बच्चों से लेकर बड़ों के लिए, और बहुत ही एडवेंचरस है। यहाँ पर आपको स्विमिंग कॉस्ट्यूम रेंट पर भी मिल जाता है, लेकिन क्योंकि आप आइलैंड टूर पर जा रहे हैं तो अपना कॉस्ट्यूम जरूर कैरी करिएगा। अंदर आपको लॉकर भी मिल जाएगा और वो भी काफी सस्ते में, तकरीबन 50-60 रुपए में आपको लॉकर अवेलेबल हो जाता है। आप उसके अंदर सामान रख सकते हैं और इस पूरे वाटर पार्क का आनंद उठा सकते हैं। तो तकरीबन 1-1.5 घंटा इसके अंदर बताइएगा, लेकिन याद रखिएगा कि आपको रोपवे से आगे जाना है, उसकी भी टाइम लिमिटेशंस हैं, तो वो ध्यान में रख के आप प्लान करिएगा टूर। वैसे आपके जो टूर गाइड हैं वो इन सब का ध्यान रखते हैं कि आप लास्ट रोपवे से पहले फ्री हो जाएं। यहाँ पर भी हमारे साथ हमारा गाइड था साथ में। जैसे ही आप इस रोपवे में चढ़ते हैं आपको एक अलग लेवल की खूबसूरती दिखाई देगी। आप बहुत ऊंचाई तक जाता है ये रोपवे और वहां से आपको पूरा का पूरा सी दिखाई देगा, साथ ही साथ आइलैंड्स दिखाई देंगे और इसकी स्पीड अच्छी खासी है, तो जब ये नीचे आता है और ऊपर जाता है तो आपको थोड़ी सी गुदगुदी महसूस होगी। तो यहाँ से आप खूबसूरत नज़ारे देखें फुकॉक आइलैंड के कैसा दिखता है, समुद्र देखें और अपने मन को शांत करें। यहाँ से उतरकर आपको कैब मिलेगी, वही कैब जो आपको लेकर आई थी, फिर वो वापस आपको आपके होटल ड्रॉप कर देती है। तो ये था फुकॉक आइलैंड वियतनाम के साउथ कोस्ट पर। अगर आप अपने दोस्तों के साथ आना चाहते हैं तो बिल्कुल आइए, आ सकते हैं। अगर आप फैमिली के साथ आना चाहते हैं तो बिल्कुल आइए, आ सकते हैं। अगर आप कपल में आना चाहते हैं तब भी बिल्कुल आइए, आप आ सकते हैं। बेहद ही शानदार आइलैंड है, खूबसूरत है, ब्यूटीफुल है, और दोनों का मतलब एक ही होता है, शांत भी है और बड़ा मज़ेदार भी है। एडवेंचर स्पोर्ट भी है यहाँ पर और माइंड का पीस भी है।
तो ठीक है जी, तो ये था सफर फुकोक आइलैंड का। आपका अगर कोई और सवाल है इस जगह के बारे में तो कमेंट सेक्शन में आके बताइए, हम पूरी तरह से मदद करेंगे, इन डेप्थ आपको लेकर जाएंगे ताकि आप जब यहाँ पर आए तो आपको किसी भी तरह की परेशानी ना हो, आपके पास हर तरह की जानकारी मौजूद हो। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों शेयर करें जिनके साथ आप जाने का प्लान बना रहे हैं, और लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम मानव है, एक अच्छे मानव बने। जय हिंद कहें।